नवरात्रि की सेल अभी जस्ट खत्म हुई है एंड आई होप कि आप सब ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मंगाई होगी। इस बार मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता था H&M को कि आखिर क्यों उनके कपड़े और बेसिकली हुडी इतनी महंगी होती है, क्योंकि एक साइड आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड की अच्छी अच्छी हुडीज बहुत कम प्राइस में मिलती है, लेकिन वही H&M के हुडीज की प्राइजेस बहुत हाई होती है। और यही सही मौका था सेल का फायदा उठाते हुए मैंने मात्र 2 हुडीज ऑर्डर किए हैं बस और बस टेस्ट करने के लिए कि आखिर वो हुडीज के इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं और पूरी दुनिया H&M के हुडीज के लिए इतनी क्रेजी क्यों होती। क्योंकि अगर आप मिंत्रा में H&M के हुडीज को जाकर देखोगे, एक तो बहुत सस्ते वाले हुडी होते हैं और एक बहुत महंगे वाले हुडी होते हैं, और मैं आज इस वीडियो में कंपेयर करके देखूंगा और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आखिर उन दोनों हुडीज में और H&M की बेसिकली हुडी में क्या डिफरेंस होता है। वैसे अगर ये दोनों हुडी की लिंक आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, डोंट वरी, लेकिन इस वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद ही डिसाइड करना कि खरीदना है या नहीं, या फ्यूचर में अगर H&M की हुडीज या कपड़े खरीदने वाले हो तो एग्जैक्ट आपको अंदाजा लग जाएगा क्या आपको मिलने वाला है। लेकिन ये दोनों हुडी के अलावा मैंने इस बार एक और प्रोडक्ट मंगाया है, वो क्या है, वो है ये नेकलेस। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है गाइस, ये मुझे 500 के आसपास का मिला और अभी इसकी प्राइस 700 रुपए हो गई है। इतना तो एक लोहे के सिक्कड़ के लिए नहीं चार्ज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, कहीं नहीं मिल रहा है तो कहीं तो लेना पड़ेगा ना। अगर आपको इसकी भी लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अमेजिंग लुक है और ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग इसे नोटिस करते हैं, ये इतना ज्वेलरी जैसा साइन करता है, लगता आपने प्लेटिनम पहन रखा हो। देखो दोनों हुडी बहुत बेसिक है, इतना जान लो, हमें बस क्या चेक करना है क्वालिटी। ये बहुत बेसिक ग्रे कलर की हुडी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, बहुत कम दिखेगा आपको क्योंकि सेम कलर में लिखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चर हुआ है इंडोनेशिया में, यानी ये इंपोर्टेड चीज है। इस पे लिखा गया है 1500 रुपए, मुझे 1000 रुपए में मिली है ये हुडी। अब देखो इस हुडी में ज्यादा कुछ देखने के लिए तो है नहीं, लेकिन हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल हुडी को देखेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस पड़ता है, क्यों आखिर हम एक्स्ट्रा पैसे दे। नॉर्मली अगर देखोगे ना तो ये हुडी बहुत सिंपल लगेगी, इसकी पॉकेट वैसे ही सेम सिंपल है, छोटी सी है पॉकेट, इसके अंदर ज्यादा कुछ बड़ा डीप पॉकेट नहीं है। अगर इसकी फैब्रिक को छुओगे ना तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चलेगा कि लाइक थोड़ा सा, लाइक बहुत 19-20 वाला फर्क है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रीमियमनेस फील दिलाता है। इसके हुडी के जहां से ये लेस निकलते हैं, यहां पे स्टेनलेस स्टील लगाया गया है जो कि बहुत प्रॉपर साइन कर रहा है। इस लेस के एंड में भी आपको स्टेनलेस स्टील का ये मिलेगा, अंदर से ये सेम वैसे ही मटेरियल है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि निकल नहीं रहा, ये पूरा ऐसे देखो निकल रहा है बहुत ज्यादा, ये ऐसा बहुत ज्यादा रोआ सब निकल रहा है इसका, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग चीज दे रहा है H&M। लेकिन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि एक अच्छे ब्रांड से खरीदें या एक सस्ते ब्रांड से खरीदें, टोटली डिपेंड करता है ट्रस्ट पे, आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है स्पेंड करने के लिए तो आप डेफिनेटली H&M के लिए जा सकते हो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अंदर में H&M की ब्रांडिंग मिलेगी और आपको कहीं भी H&M ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ ये H&M की हुडी। अगर आप दूसरे ब्रांड को खरीदोगे तो ब्रांड प्रॉपर अपने आप को दिखाता है कि यहाँ पे लाइक यहाँ पे एलन सॉली की ब्रांडिंग की गई है या फिर लिवाइस की ब्रांडिंग की गई है, ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि H&M लिखा हुआ है और लोग देख के बोले कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट दे आपको कि वाह आपने H&M का ऐसा हुडी पहना है। H&M में भी ना बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ हुडीज होते हैं, ये थोड़ा बजट वाला हुडी है। अब हम जो हुडी देखने वाले हैं ये H&M का प्रीमियम हुडी है, फटाफट निकालते देखो कितना बड़ा प्राइस में। और मेरे को एक चीज का इस वक्त डिफरेंस फील हो रहा है कि मैंने जब इसके पैकेट को पकड़ा था, ये पैकेट इस वाले हुडी से लाइक दुगने से भी ज्यादा भारी है इस वक्त, इतना डिफरेंस है। ये भी सेम पैकेजिंग। अब इसमें भी एक और क्या डिफरेंस है कि ये एक प्रॉपर कागज में लपेट के आया है, एकदम जारा जारा वाला टाइप। इसके पेपर में आपको H&M का यहाँ पर टैग मिल जाएगा। देखो ये भी एक सॉलिड हुडी है, और मैंने जैसा आपको क्या बताया कि ये सेम अलग अलग 2 फैब्रिक्स हैं, इसके ऊपर अलग अलग प्राइजेस डिपेंड करते हैं कैसा प्रिंट है कैसा डिजाइन है। ये हो गया एक नॉर्मल H&M की हुडी, ये हो गई एक प्रीमियम हुडी। अब सीधा स्ट्रेट क्या डिफरेंस पता चल रही है ना कि अगर ऐसे में 2 भी रख लूं ना अपने हाथ में हुडी, ये फिर भी इन दोनों हुडी से ज्यादा भारी ये लग रहा है। ये सीधा तो पहला डिफरेंस हो जाता है फैब्रिक पे कि ये प्रीमियम फैब्रिक है, और विंटर्स है तो आपको थोड़ा ऐसा मोटा मोटा पहनना जरूरी है ताकि आपके अमेज़न के जंगल्स खड़े ना हो जाए। इस हुडी को इस वक्त अभी हम रखते साइड में और इसे देखते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस मैं इसे खोलते हुए भी आपको बता रहा हूं
बहुत ज्यादा वेट है इस हुडी का, बहुत ज्यादा, पूरा प्लेन हुडी है। लाइक उसमें थोड़ा फॉन्ट भी बनाया गया था, इसमें कोई फॉन्ट कहीं कुछ डिजाइन कुछ नहीं, पूरा प्लेन हुडी है। यहाँ पर थोड़ा मोड़ा टैग दिया गया, उसमें तो कोई टैग भी नहीं था। 100% ऑर्गेनिक कॉटन H&M, ये मैन्युफैक्चर हुआ है बांग्लादेश में, मतलब अपने इंडिया में कुछ बनते ही नहीं है। इसकी MRP यहाँ पे लिखी गई है 2,700 रुपए, और लिटरली ये इतने में बिकता है। और सेम फैब्रिक पे अगर सिर्फ डिजाइन कलर चेंज होते हैं ना, बहुत लाइक 4,000-5,000 जाता है प्राइस। इस हुडी के लिए, सिर्फ ये प्लेन हुडी के लिए मैंने 2,000 रुपए पे किए। लाइक 2,000 रुपया बहुत होता है गाइस किसी एक कपड़े के लिए। ये थोड़ा ना आपको वुलन टाइप की फीलिंग देगा, ये आपको थोड़ा कॉटन वाला फील दे रहा है। ऑब्वियसली जैसे आपको इसमें अंदर फर मिल रहा था ना, इसमें आपको कोई फर नहीं मिल रहा। ये बहुत डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, बहुत मोटा मटेरियल है, बहुत डिफरेंट है। मेरे को पर्सनली फर उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि समय के साथ ना वो फर निकल जाते हैं, एक दो वॉशेस के बाद या ज्यादा पहनने के बाद वो गंदे हो जाते हैं, उन्हें धोना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हुडी के अंदर में ऐसा कुछ मटेरियल रहे तो हुडी लंबा टिकेगा, और ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है ये दोनों हुडीज में H&M के। अब एक चीज मुझे ये भी समझ में आई है ना कि H&M ब्रांडिंग के मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि किसी भी कपड़े में आपको ब्रांडिंग नहीं मिलती। और कई बार कई लोगों को ऐसा जरूरत होता है थोड़ा सा भी शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मैंने इतना पैसा खर्च किया है इस ब्रांड के लिए। अब जरा सोचो कि एप्पल के आईफोन्स के पीछे एप्पल का लोगो ही हट जाए तो कितनी ज्यादा वैल्यू नीचे जाएगी, बस तुम ये सोच लो। बहुत सारे लोग सिर्फ उस लोगो के लिए पे करते हैं कि मैं एप्पल का फोन यूज करता हूँ। और अगर मैं किसी हुडी के लिए इतना प्रीमियम प्राइस पे कर रहा हूँ और मुझे कहीं भी छोटा सा H&M भी लिखा हुआ नहीं मिलता, इट्स अ सैड स्टोरी गाइस। अब ये 2,000 रुपए के लिए वर्थ इट है या नहीं, तो सीधा मैं यही बोलूंगा, जी हाँ वर्थ इट है। ये कपड़ा बहुत तगड़ा फील हो रहा है गाइस, लाइक बहुत तगड़ा फील हो रहा है। और एक ये भी बात है ना इनके इतना सिंपल होने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक स्वीडिश ब्रांड है, तो स्वीडन के लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल कलर्स को पहनने के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं, और ये ब्रांड भी उसी तरफ ज्यादा फोकस्ड है। अगर आपको नहीं पता फन फैक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि H&M इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्लोथिंग रिटेलिंग कंपनी है। समझ लो सीधा कि सबसे ज्यादा कपड़े ना इस दुनिया में जो कोई कंपनी बेचती है वो H&M बेचती है, इतना खतरनाक इसका सेल है। और अगर वैल्यू की बात करूं तो ये 1,000 के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन 2,000 में इसके लिए दे दूंगा शायद। एंड अगर आपने H&M से पहले शॉपिंग की है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज मुझे कमेंट में शेयर करिएगा, मैं जरूर पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं H&M के पास ज्यादा की शॉपिंग करूं या फिर यूनिक्लो की शॉपिंग करूं, ऐसे प्रीमियम ब्रांड्स को एक्सप्लोर करूं, तो आपको बस क्या करना है, इस चैनल को, इस वीडियो को सपोर्ट करना है। करने के लिए क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत जल्दी 100K हिट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए गाइस। मैं कुशवाहा मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।